पाठ सात, सर्वनाम प्रोनाउन। निधि ने प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखा, लेकिन वह अनुच्छेद उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने अपनी मैडम को दिखाया। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं। अनुच्छेद पढ़कर मैडम ने अशुद्धियों पर लाल पेन से गोला लगाते हुए कहा, निधि, यह अनुच्छेद इसलिए अटपटा सा लग रहा है क्योंकि आपने इसमें शिप्रा नाम संज्ञा का बार बार प्रयोग किया है, इसीलिए ये वाक्य ठीक से समझ में भी नहीं आ रहे हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल व स्पष्ट होती है। अब आप इस अनुच्छेद में संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा लिख कर दिखाइए। अब निधि ने इस अनुच्छेद में नाम की जगह सर्वनाम शब्दों को लिख कर दिखाया। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। निधि ने इस अनुच्छेद में शिप्रा यानी संज्ञा की जगह पर वह, उसके, अपने और उसकी शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य का संतुलन भी ठीक बन गया है। शिप्रा अर्थात संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वैसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। केवल क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे वह घूम रहा है, वह घूम रही है। सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एकवचन मैं, तू, वह, यह, उसे, बहुवचन हम, तुम, वे, ये, उन्हें। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, वह, निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम जो, वो, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों, कौन, निजवाचक सर्वनाम आप, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे यानी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ हाँ जरूर। यह कौन है? यह मेरे मामा जी का लड़का है। उपर्युक्त बातचीत में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले, यह अन्य यानी किसी तीसरे के लिए प्रयोग हुआ है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि; मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि; अन्य पुरुष थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वह, वे, यह, ये आदि; निश्चयवाचक सर्वनाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह मेरे पिताजी की कार है, ये मेरे कपड़े हैं। वह और ये निश्चित वस्तु के बारे में बता रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है। कोई और कुछ शब्द व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं दे रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का
अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है। जिसने, वे तथा जहाँ, वहाँ शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्दों क्या, कहाँ का प्रयोग हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग काम करने वाला यानी कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, गाय के कितने सींग होते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखूंगी। मैं बोतल में पानी खुद भरूंगी। उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप तथा खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आओ पाठ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।